हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल स्वीट डिश जो शीर खुरमा, सेवैया या सेवैयों की खीर के नाम से जानी जाती है। इस डिलीशियस स्वीट डिश को ज्यादातर त्योहारों में डेजर्ट की तरह या किसी खास मौकों पर ही बनाया जाता है और काफी कम चीजों में ही ये बन जाती है। इसे बनाने के लिए हमने एक थिक बॉटम वाला पॉट लिया है। अब गुनगुने गर्म किए हुए पॉट में एक छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी पिघल चुकी है। मैंने यहाँ पे आधा कप, ये वजन के हिसाब से लगभग 40 ग्राम सेवैया है। मैंने यहाँ पे बारीक सेवैया ली है, आप अपने हिसाब से किसी भी साइज की सेवैया ले सकते हैं। अब सेवैयों को घी में 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर सुनहरा रंग होने तक भूनेंगे। घी में भूनने की वजह से सेवैयों का फ्लेवर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी खीर बनने के बाद सेवैया गलेगी भी नहीं। सेवैया भून कर सुनहरे रंग की हो गई है। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी बर्तन में सेवैयों को निकालने के बाद 750 ml दूध डालेंगे। होल मिल्क और फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करने की वजह से डेजर्ट काफी टेस्टी बन जाता है और इसे उबालकर ये जल्दी गाढ़ा भी बन जाता है। 750 ग्राम दूध के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप शक्कर डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शक्कर का प्रमाण कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब दूध और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध में पहले ही शक्कर डालकर मिक्स करने की वजह से ये नीचे से चिपकेगी भी नहीं और जलेगी भी नहीं, लेकिन हमें दूध को कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना होगा। अब दूध को 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर उबलने देंगे। आप देख सकते हैं दूध को उबाल आ गया है। अब इसी तरह से दूध को मिक्स करते हुए गाढ़ा बनाएंगे। दूध को मिक्स करते हुए उबाल कर हमने इसे गाढ़ा बना लिया है। ये 750 ml से 600 ml हो गया है। अब हम इसमें भुनी हुई सेवैया डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। सेवैयों को हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दूध में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद सेवैया दूध में पककर गाढ़ी हो रही है। दूध में सेवैयों का सुनहरा रंग भी उतर गया है। हमें इन्हें बहुत ज्यादा गाढ़ा होने तक नहीं पकाना है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और ज्यादा गाढ़ी होते रहेगी। सेवैया पककर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब फ्लेवर बढ़ाने के लिए फ्रेश कुटी हुई हरी इलायची की 1/4 चम्मच पाउडर डालेंगे। आप इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं। अब अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। इसमें हम पहले किशमिश डालेंगे, अब काजू के टुकड़े डालेंगे। बिना खजूर के तो शीर खुरमा या सेवैयों का स्वाद अधूरा होता है, इसलिए हम इसमें 5 से 6 खजूर के इस तरह से बारीक टुकड़े करके डालेंगे। खजूर की वजह से इस डिश की मिठास और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप इस खीर में शक्कर थोड़ी संभाल कर ही डालिए। ज्यादातर इस डेजर्ट को ठंडा करके ही खाया जाता है। अब सेवैयों को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखेंगे, जिससे ये थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी और इसका टेक्सचर भी काफी क्रीमी और स्मूथ बन जाएगा। कम वक्त और कम चीजों में बनने वाली ट्रेडिशनल माउथ वाटरिंग स्वीट डिश शीर खुरमा, सेवैया या सेवैयों की खीर की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इसे बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक बटन क्लिक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज चेक करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह की एक माउथ वाटरिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू।